हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू साक और आप सभी लोगों का हमारे इस टेक्निकल माइंड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत ही कमाल की ट्रिक सिखाने वाला हूं। अगर आप व्हाट्सअप चलाते हो तो दोस्तों अगर आप व्हाट्सअप चलाते हो तो आप इस ट्रिक को सीख लीजिए, क्योंकि ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, जब आप व्हाट्सअप चलाते हैं तो आपका फ्रेंड कोई जो आपको चैट करता है, मैसेज करता है, और वो कोई मैसेज को जो है डिलीट कर देता है, तो आप जो है रिकवर करने के लिए, पता करने के लिए आप जो है उसने क्या मैसेज की थी आपको पता करने के लिए आप कोई प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो और वहाँ पे आप पता कर लेते हो कि इस बंदे ने मुझे क्या मैसेज की थी और इसने क्या डिलीट कर दिया था। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात आ जाती है, अगर कोई वो फ़ोटो या वीडियो या ऑडियो को क्लिप भेजता है आपके पास तो यहाँ पे आप उसे रिकवर नहीं कर पाते हो इस एप्लीकेशन के यूज़ से। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिस ट्रिक की हेल्प से आप जो है ऑडियो, वीडियो और फ़ोटो को रिकवर कर सकते हो। अगर आपका फ्रेंड कोई आपके पास सेंड कर देता है ऑडियो, वीडियो, फ़ोटो और उससे वो बाद में डिलीट कर देता है, तो आज इस वीडियो में आपको बेस ट्रिक सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप उन ऑडियो, वीडियो, फ़ोटो को रिकवर कर सकते हो, जान सकते हो उसने क्या सेंड किया था। तो दोस्तों उन्हें आप अपनी गैलरी में भी सेव करके रख सकते हो। तो दोस्तों होता क्या है, वो चाहता है कि आपका फ्रेंड के आपके पास ऑडियो, वीडियो, फ़ोटो जो है भेज देता है आपको दिखाने के लिए, और आप जो है चाहते हो किसी और को दिखाने के लिए, तो वहाँ पे आपको जो है नहीं मिलती, क्योंकि वो आपका फ्रेंड तब तक उसे डिलीट कर देता है। चलिए दोस्तों आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, बताता हूँ किस तरीके से आप उन्हें रिकवर कर सकते हो। उससे पहले दोस्तों आपको एक बात बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस तरीके से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है और स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आपको एक कमेंट कर देना है जिस तरीके से आपको वीडियो लग रही है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तब भी आप हमें कमेंट में कह सकते हैं मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास दो स्मार्टफोन है, फर्स्ट की स्क्रीन मैंने फर्स्ट में दे दी है और सेकंड मोबाइल की स्क्रीन सेकंड में दे दी है। तो इसके बाद मैं फर्स्ट में जो है व्हाट्सएप को मैं ओपन करता हूं और फर्स्ट वाले फ़ोन से मैं सेकंड वाले फ़ोन में मैसेज करता हूं। तो मैं जो है यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट है मेरा ऐसा ही नाम से, मैंने यहाँ पर सेव करके रखा है और यहाँ पर जो है मैं एक मीडिया पे इसके ऑफ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करता हूँ और मैं जो है यहाँ पे कोई भी जो है फ़ोटो को मैं सेंड कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं जो है डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे और एक फ़ोटो जो है मैं सेंड करता हूँ यहाँ पे। ये फ़िलहाल वीडियो है तो मैं फ़ोटो को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ये वाला फ़ोटो मैं जो है यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। इस तरीके से सेंड करने के बाद ये फ़ोटो सेंड हो चुका है और मेरे यहाँ पे व्हाट्सअप पे मैं खोलता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे व्हाट्सअप पे जो फ़ोटो आ चुका है आप देख सकते हैं। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे जो है वीडियो को भी सेंड करूँगा यहाँ पे, तो मैं वीडियो को कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे नीचे जाके, तो मैं देखता हूँ कोई वीडियो, तो यहाँ पे जो ये वाली वीडियो मैं यहाँ से लेता हूँ और इसे सेंड कर देता हूँ इस तरीके से। अब सेंड करने के बाद यहाँ पे जो लोडिंग होगी और थोड़ी देर के लिए जी है सेंड हो जाएगी, तो थोड़ी देर के लिए मैं वेट करता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वीडियो भी आ चुकी है और मैंने यहाँ से सेंड कर दिया है और मैं इसे चला के देख लेता हूँ। ये जो मेरा फ्रेंड है ये वीडियो को डिलीट कर देता है बाद में, इसने सोचा कि मैं इसे दिखा देता हूँ और बाद में मैं डिलीट कर देता हूँ, तो इसने यहाँ से ये फ़ोटो और वीडियो है ये यहाँ से डिलीट कर देता है। इस तरीके से डिलीट करने के बाद ये हमारे जो है यहाँ से भी डिलीट हो जाता है। तो अब मैं कैसे इसे वापस देख सकता हूँ, तो दोबारा से तो मैं क्या करूँगा, एक एप्लीकेशन है व्हाट्सअप डिलीटेड, तो इस एप्लीकेशन के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो ओपन करके मैं यहाँ पर मैं पहले से इसे सेटअप करके रखा है, तो मैं आपको भी यहाँ पर परमिशन देनी है और सारा कुछ कर देना। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो जो है सेव है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी फ़ोटो जो है डिलीट नहीं हुआ है और वहाँ से डिलीट हो चुका है। और वीडियो पर देखता हूँ क्लिक करके तो वीडियो भी यहाँ पे सेव है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से वीडियो को भी। तो इस तरीके से आप वीडियो को भी यहाँ पे चला के देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी मीडिया को यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी फ्रेंड अगर आपके मीडिया को डिलीट कर देता है तो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद भी आई होगी। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई वीडियो लेके, तब तक टेक केयर, बाय।